आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। उनका नाम है दीपा मलिक। उन्हें 6 साल की उम्र में दोनों टांगों पर ट्यूमर हो गया था। सन 2009 में उनका खेल कूद का सिलसिला शुरू हुआ। 2012 में उनको पहला पुरस्कार यानी अर्जुन पुरस्कार मिला और सन 2016 में उन्हें उनका दूसरा पुरस्कार यानी पैरम्पलिक्स पदक मिला और सन 2017 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ज़िंदगी बहुत दुख भरी ज़िंदगी थी, कठिनाई से भरी हुई थी और संघर्ष से भी। ज़िंदगी में उन्होंने हारना नहीं सीखा, चाहे जितनी भी बड़ी कठिनाई आई हो। कठिनाई तो बहुत थी उनकी ज़िंदगी में, पर उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा। हार जाती वो तो आज वो इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुँचती। आज वो ऐसे लेवल पर है कि उन्हें सब सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा। तो दोस्तों, हमें भी कभी हारना नहीं चाहिए, हर परेशानी का डट कर सामना करना चाहिए। जो हार जाते हैं वह कभी जीत नहीं सकते, हारने वाला कभी जीत नहीं सकता और हम हारने वाले नहीं हैं। हमें हर परेशानी का सामना करना चाहिए। थैंक यू।